जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना कि अभी आने वाले समय का सबसे बेस्ट कॉइन जो होने वाला है वो है LTC, जो आपको डेफिनेटली $100 का मार्क बहुत ही जल्द दिखाने वाला है, जो कि $100 से लेकर 115 से लेकर $120 तक पहुंचने वाला है बहुत ही जल्द। तो इसकी मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ, इसके पीछे क्या क्या रीजन्स हैं। एंड हाँ, LTC फॉर श्योर BTC के साथ रिलेटेड है, यानी कि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। BTC बढ़ेगा, LTC भी बढ़ेगा, लेकिन LTC का यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेट है, जिसकी वजह से LTC अगर हम टेक्निकली देखें या फिर टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर अगर हम बोलें तब भी हमें ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाला है। और BTC किसके ऊपर डिपेंड करता है, वी नो वेरी वेल, US से जब भी कोई अच्छी अपडेट आती है, जैसे कि सबसे बड़ा अपडेट आज का जो आया है वो पूरी क्रिप्टो मार्केट को बहुत ऊपर ले जाने वाला है। तो यहाँ पे आज के दिन मेरे पास दो बड़ी अपडेट्स हैं जिसकी वजह से BTC इम्पैक्ट होने वाला है, और हाँ, ये 100% पॉजिटिव वे में ही इम्पैक्ट होने वाला है। तो वीडियो अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल को अभी से ज्वाइन कर लीजिए। आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिलने वाली है। तो LTC की बात करने से पहले हम थोड़ा सा BTC का एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बताने वाला था वो ये है कि जो US का कोर CPE इन्फ्लेशन है, अब CPE का मतलब समझ लो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें जब इन्फ्लेशन है अगर कम हो रही है तो इसका मतलब है 100% पॉजिटिव मूव है ऑल ओवर द मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट्स के लिए एंड इवन क्रिप्टो मार्केट्स के लिए। तो ये स्लो डाउन होकर 3.7% तक आ चुका है, यानी कि पिछले महीने ये 3.9% के आसपास था और अभी ये 3.7% के आसपास आ गिरा है। तो सितंबर के PCE इन्फ्लेशन से हम ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अगर हम टारगेट्स की बात करें तो टारगेट जो फेडरल रिजर्व का है वो 2% का है, यानी कि अभी 3.7% है, लेकिन ये चाहते हैं कि 2% के आसपास आ गिरे। लेकिन अगर हमें थोड़ा बहुत भी प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रहा है तो इसका इम्पैक्ट तो ओवरऑल मार्केट के ऊपर बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। यही कारण है कि आपने यहाँ पे देखा होगा कि कल परसों के दिन क्या है कि ETF का लिस्टिंग होना, फिर उसके बाद रिमूवल होना, फिर से लिस्टिंग होना, उसका कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा BTC के ऊपर। BTC फिर भी $33,000-$34,000 के आसपास टिका रहा, और ये चीज आप क्लियरली यहाँ भी देख सकते हैं। अगर हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखते हैं, आज भी ये ग्रीड में ही चल रहा है, 70+ चल रहा है। 70+ होने का मतलब है कि अभी भी ग्रीड है लोगों में, हर कोई चाहता है कि वो इस वक्त बाय करे, बाय करके इसमें प्रॉफिट अर्न कर पाए, और इसी का मौका आपने भी उठाना है, फायदा उठाना है। और BTC की आप डोमिनेंस भी देख सकते हैं, 53% के आसपास चल रही है। लेकिन अगर हम BTC के टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे अगर हम सप्लाई प्रेशर को देखें तो $35,000 के आसपास हम देख सकते हैं कि माइनर करेक्शन हो सकती है और हो रही है, जो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। क्योंकि $35,000 पे जाके क्या है कि BTC को बार बार एक रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन हमने यहाँ पे बहुत बड़ा मूव देखा है जो कि $26,000 पे था October 14 को, और ये $35,200 तक पहुंचा है, यानी कि लगभग 30% से भी ज्यादा हमने एक सडन गेन देखा BTC के प्राइस में। और जब भी ऐसा एक सडन गेन हमें दिखता है तो थोड़ी बहुत करेक्शन तो फॉर श्योर होती ही होती है, जो हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। अब इसके बाद जो रिकवरी होने वाली है $40,000 को क्रॉस करने वाली है। एक और US की तरफ से एक बड़ी अपडेट जो है जिसका US में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड मैं आपको ये चीज़ बार बार क्यों बता रहा हूँ, जब भी US में पॉजिटिव अपडेट आएगी BTC को लेकर, क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर, उसका इंपैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है क्रिप्टोकरेंसीज की। तो बिटकॉइन माइनर एक है मैराथन डिजिटल के नाम से, उन्होंने फाइल किया है फॉर्म S3। अब ये फॉर्म फाइल करके इन्होंने रेज करना है $750 million, इतना मिलियन डॉलर इकट्ठा करके ये इक्विटी ऑफरिंग देने वाले हैं। ऑलरेडी इनके पास 13,726 से भी ज़्यादा बिटकॉइंस हैं और ये 1,000 bitcoins पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऐसी कंपनीज जब और भी ज़्यादा इक्विटी देकर फंडिंग से इकट्ठी करेगी, इससे क्या कि माइनर्स बिकेंगे, माइनर्स ज़्यादा होंगे तो बिटकॉइन की माइनिंग और भी ज़्यादा होगी। डेफिनेटली यहाँ पे सप्लाई तो बढ़ने वाली है, लेकिन अगर ये बिटकॉइंस को होल्ड किया जाता है माइनर्स के द्वारा, ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन देता है कि बिटकॉइन का प्राइस आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो यहाँ पे आप SEC का भी एक डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल मेन अपडेट के ऊपर, जो है LTC, यानी कि लाइट कॉइन, जो हम $100 बहुत ही ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय के अंदर, क्योंकि इसकी बहुत बहुत बड़ी अपडेट है। आई होप कि आप सभी को $60 के आसपास LTC मिल चुका होगा। अगर आप नहीं जानते तो लाइट कॉइन का जो ऑल टाइम हाई था वो $400 से भी ऊपर गया था एक समय पे, और काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने LTC को सिर्फ $1 का खरीदा था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5,000% से भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया गया है LTC होल्डर्स के द्वारा, और ये सिमिलर
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एलटीसी में अभी भी, क्योंकि इसकी अगर हम सपोर्ट की बात करें जो कि अभी एक रेजिस्टेंस बन रहा है $70 के आसपास, अगर ये क्रॉस हो जाता है तो एलटीसी का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे हमें एक और भी अच्छा प्रॉफिट दिख सकता था, लेकिन सिर्फ विंटर्स के कारण, यानी कि क्रिप्टो विंटर्स के कारण एलटीसी का प्राइस एक सही परफॉर्म नहीं कर पाया मार्केट में, और ये सिर्फ $110-$115 के आसपास ही पहुंचा था। तो अभी जो इंतजार है वो है सिर्फ $70 का। अगर ये $70 क्रॉस होता है तो फॉर श्योर आपको यहाँ पे एलटीसी $100 क्रॉस होता हुआ बहुत जल्द दिखने वाला है, क्योंकि लाइटकॉइन की जो ऑन चेन मूवमेंट है वो बहुत ही फास्ट होती जा रही है। इस वक्त जो व्हेल्स की एक्टिविटी है ये लगातार बढ़ रही है, तो आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं जिसमें 319,000 एलटीसी की डेली एक्टिव एड्रेसेस की मूवमेंट हम देख पा रहे हैं जो कि जून महीने की है। वही एक ऐसा मौका था जब हमें लाइटकॉइन एक अच्छा प्रॉफिट देने वाला था, लेकिन पहले नहीं परफॉर्म कर पाया, तो आप थोड़ी उम्मीद और लगा के रखिए, लाइटकॉइन ही हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला है। तो यहाँ पे दो एक्सपेक्टेशंस हैं मेरी तरफ से, वो है एलटीसी और एक्सआरपी। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉइन्स हैं जो आपको इस क्रिप्टो के बुल सीजन में हमें अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट कर दो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी आ सकते हैं, वॉफ्ट डिस्कस के नाम से हमारा ग्रुप भी है, जहां पे आप चैट कर सकते हैं, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको साथ के साथ जवाब दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।